Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So today we're gonna talk all about contact lenses. अब मैं बहुत time से contact lenses use कर रही हूँ और मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोग comment करके पूछते हैं कि मैं कौन से contact lens use करती हूँ और कौन सा color का, कौन सा brand का contact lens use करती हूँ. So I thought of making a video all around contact lenses और contact lenses को use कैसे करना है, उन्हें select कैसे करना है, अपनी power के बारे में कैसे पता करना है. So that is what we are going to talk about in this video. So if you are interested, keep on watching. Okay, so let's start by talking about how I started using contact lenses और मैंने कैसे start किया, मुझे कैसे पता चला और ये सब. तो मुझे चश्मा 8th class से ही लग गया था and currently I am in my second year of MBA. तो बहुत सारा time हो चुका है मुझे अपनी आंखों की रोशनी खोए. So I started using contact lenses 12th class के बाद in the first year of my college. मुझे ना चश्मे starting से ही पसंद नहीं थे. मुझे ऐसा लगता था कि मेरा look खराब हो गया और बहुत uncomfortable मुझे feel होता था. तो जब मैं college में गई, I talked to my father. I was like, मुझे चश्मे नहीं लगाने, मुझे lenses चाहिए. So एक दुकान होती थी जैसे Vision Express दुकान है, वैसी I think Tata की कोई दुकान थी, I don't exactly remember the name, वो बंद हो गई अब. तो मैं एक मतलब चश्मों की ही दुकान थी वो, तो मैं वहाँ गई और वहाँ मैंने contact lenses के बारे में पता करा. तो कॉन्टैक्ट लेंसेज में उन्होंने मुझे बताया कि किस किस टाइप के लेंसेज आते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत महंगे महंगे लेंसेज आते थे, सब कुछ उन्होंने बताया. सिंस आई वाज अ बिगिनर एंड माय पेरेंट्स आल्सो डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट इनटू कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि उनको लगता था कि लेंसेज पहनने से ना पावर और ज्यादा बढ़ जाती है. ये बहुत लोगों का एक मिथ होता है कि लेंसेज पहनने से पावर बढ़ जाएगी. सो मैंने एकदम बेसिक बॉश एंड लॉम का ना आई कनेक्ट लेंस आता है, बिल्कुल बिगिनर बेसिक्स के लिए, बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स के लिए. तो मैंने वही आई कनेक्ट लेंसेज लिए. अब वहां जहां मैं गई थी, उन्होंने मेरी आई पावर टेस्ट करी. और कॉन्टैक्ट लेंसेज में क्या होता है कि जो आपकी ग्लासेस का पावर होता है ना, कॉन्टैक्ट लेंसेज का पावर उनसे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ग्लासेस आपके आंखों के बाहर होते हैं, लेंसेज बिल्कुल आपके कॉर्निया के ऊपर रहते हैं. तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑनलाइन लेंसेज मंगा लो और आपकी आई ग्लास का पावर ही आपके लेंसेज का पावर होगा, तो ऐसा नहीं होता है. अनलेस एंड अनटिल आपकी आंखों का पावर बहुत ज्यादा है, जैसे मेरा है. आई थिंक उन्होंने मुझे बताया था कि अगर पावर -4 या उसके ऊपर रहती है, चश्मों का पावर और लेंसेज का पावर सेम रहता है. अदरवाइज जो लेंसेज का पावर रहता है कॉन्टैक्ट लेंसेज का, दैट इज अ लिटिल बिट लोअर दैन योर ग्लासेस. तो वहां पे जाके मुझे पता चला मेरी लेंसेज का पावर क्या है. फिर उन्होंने मुझे पहनना सिखाया, उन्होंने मुझे केयर करना सिखाया और बाकी जो कुछ भी प्रिकॉशंस होते हैं वो सब उन्होंने बताए मुझे. सो दैट इज व्हाट आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो. बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऑनलाइन, अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज अपने लिए ऑर्डर कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन मत मंगवाओ. जस्ट गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर या फिर ऐसी ही किसी चश्मे की दुकान पे चले जाओ, वहां पे भी डॉक्टर्स होते हैं, आपको बता देंगे कि आपका एग्जैक्ट पावर क्या है. सो डू नॉट ऑर्डर ऑनलाइन अगर आप एक फर्स्ट टाइम यूजर हो. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज. तो कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत टाइप के आते हैं. डेली डिस्पोजेबल होता है, मंथली डिस्पोजेबल होता है, और मैंने तो सुना है कुछ 6 months या ईयरली भी होता है, बट वो मैंने नहीं लिया. और आपको भी मतलब रिकमेंड नहीं करते डॉक्टर्स कि आप ईयरली डिस्पोजेबल लो, क्योंकि लेंस में बैक्टीरिया बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है. तो मैंने हमेशा से मंथली डिस्पोजेबल लेंसेज ही यूज किए हैं. वो खोलने के बाद 30 डेज तक ठीक रहते हैं, आप उनको 30 डेज तक पहन सकते हो. ये नहीं है कि आप 30 बार पहन सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि आपने आज अपने लेंस खोल दी और आप 4 महीने तक आपने सिर्फ 30 बार पहनी तो आपको लगेगा कि मंथली डिस्पोजेबल है, 30 ही बार तो पहनी है. नहीं, आपने जिस डेट को खोला है उस डेट से 30-31 दिन बाद यू हैव टू चेंज दोस लेंसेज, क्योंकि उसके बाद उस पे बैक्टीरिया डेवलप होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है. और अपनी आंखों के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आंखें नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. तो अभी मेरे पास 2 टाइप के लेंसेज है, एक तो ट्रांसपेरेंट लेंस है और दूसरा जो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस मैंने अभी पहन के रखा हुआ है. सो द ट्रांसपेरेंट लेंस इज फ्रॉम अ ब्रांड फ्रॉम विजन एक्सप्रेस. आई डोंट रियली रिमेंबर द ब्रांड नेम, बट इट इज वेरी वेरी यू नो कंफर्टेबल. वो थोड़ा सा इस कलर्ड लेंस से थोड़ा सा क्या काफी एक्सपेंसिव है वो इस कलर्ड लेंस के कंपेरिजन में, बट इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल. मतलब मैं उसको पहन लेती हूँ ना, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कोई लेंसेज या आंखों में कुछ डाल रखा है. एंड इट्स सो कंफर्टेबल, इट्स सो गुड, बहुत अच्छा है वो वाला लेंस. इफ आई फाइंड द लिंक आई वुड पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट वो है तो विजन एक्सप्रेस का ही. एंड द कलर्ड लेंस दैट आई यूज इज फ्रॉम एक्वालेंस. नाउ एक्वालेंस इज अ वेरी वेरी बजट फ्रेंडली ब्रांड. 200-300 रुपए के लेंसेज आ जाते हैं मंथली डिस्पोजेबल पावर वाले जो मैं यूज करती हूँ. सो आई एम करंटली यूजिंग द शेड स्पाइसी ग्रे एक्वालेंस से. बट वॉट आई डोंट रियली लाइक अबाउट एक्वालेंस, मतलब मेरे को जितना एक्सपीरियंस एक्वालेंस का रहा है उसमें मुझे ये नहीं पसंद कि यू नो वेन यू
पुट द लेंसेज इन योर आईज आपको पूरा दिन फील होता है कि आपने आंखों में कुछ लगा रखा है, यू नो, वो कंफर्ट लेवल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेंस है वो थोड़ी सी मोटी है, दैट इज वाई आपको फील होता है अपनी आंखों में कि आपने लेंस लगा रखी है, और ना आंखें भारी भारी फील होती है, ड्राइनेस फील होती है। सो दैट इज वॉट आई डोंट लाइक अबाउट एक्वा लेंस। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि फ्रेश लुक वगैरह के लेंसेज भी ट्राई करूँ, या ओ लेंस भी है, बट वो ब्रांड्स थोड़े से ज्यादा महंगे हैं। बट फिर भी एक्वा लेंस मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, 2 साल से, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, अगर आपको थोड़े टाइम के लिए यूज करने हैं देन इट्स फाइन, अगर आपको बहुत लंबा 8-10 घंटे के लिए यूज करना है आई वुड नॉट सजेस्ट एक्वा लेंस। आप पहनकर देख सकते हो, फॉर मी इट्स ओके, मतलब मैं 5-6-7 घंटे पहन लेती हूँ, मुझे आदत है लेंसेस पहनने की क्योंकि इतने टाइम से। तो आप एक्वा लेंस ट्राई कर सकते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको एक बजट ब्रांड चाहिए तो। ओके, तो जब आप एक्वा लेंस को लेंस कार्ट से ऑर्डर करते हो ना, तो आपको लेंस के साथ ये क्लीनिंग लिक्विड फ्री मिलता है। दिस इज वॉट आई गेट फ्री एवरी टाइम आई ऑर्डर अ लेंस। चाहे आपका ऑर्डर 400 का भी है ना, आपको फिर भी ये फ्री में मिलेगा। एंड एक लेंस केस हर लेंस के साथ आता ही है फ्री। सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू विल ऑल्सो गेट इफ यू ऑर्डर अ लेंस फ्रॉम लेंस कार्ट। तो I will up tell you. So now I'm gonna show you how to wear these lenses and how to remove them the correct way. Once you've taken your lens out of the lens case, what you're gonna do is place it in your palm like this, and उसके बाद आप अपना cleaning solution लोगे और वो इसके ऊपर डाल दोगे, lens के ऊपर। कुछ drops बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये आपको lens clean करनी है अपनी। So what you'll do is just put your finger and clean like 5-10 times clockwise and 5-10 times anti-clockwise. Okay, so this is how you clean your lenses. So once your lenses are clean, what you're gonna do is just take it like this on the tip of your finger, or बिल्कुल अपनी फिंगर की टिप पे आपको ऐसे रख लेना है। Like, so once you've taken your lens on your fingertip, what you're gonna do is look in front, बिल्कुल सामने देखना है, और ये दूसरे वाले हाथ से जस्ट पिक योर आईलिड, इस वाले हाथ की मिडिल फिंगर से जस्ट डू लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके यू जस्ट पुट इट इनसाइड दिस ब्राउन ब्लैक पार्ट। एंड अगर आप बिल्कुल इसके ऊपर भी नहीं डाल पाते हो तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेंस अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेता है, बस आपको किसी तरह अपनी आंखों में डालना है। एंड ऑलवेज मेक श्योर आपके हाथ साफ हो, गंदे हाथ नहीं होने चाहिए। सो आई डोंट यूजली पुल इट अप फ्रॉम देयर क्योंकि मुझे अब आदत हो गई है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो जस्ट पुल इट अप फ्रॉम देयर। एंड क्लोज योर आईज, लेंस अपने आप एडजस्ट हो गई, एंड दैट इज सो ईजी। बिल्कुल ऐसे ही लेंस पहनी है, इट्स वेरी वेरी ईजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आपको लगता है कि लेंस पहनने के बाद आपकी आंखें जल रही हैं या लाल हो रही हैं, तो फटाफट से लेंस निकाल दो और फिर से उसको क्लीन करके दोबारा से आप पहन सकते हैं। सो लेट्स नाउ लुक एट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज लेंसेज, दैट इज वेरी वेरी ईजी। तो लेंसेज रिमूव करने के लिए भी आपको बस पिंच करना, यू नो, जस्ट पिंच योर, जैसे आप पिंच करते हो ना किसी को, चीटी काटते हो, वैसे ही आपको पिंच करना है। सो आई एम यूजिंग माई पिंकी फिंगर आँख नीचे करने के लिए, क्योंकि ये वाली दोनों फिंगर्स तो यूज़ हो रही हैं। तो बस मैंने ऐसे नीचे किया, लुक स्ट्रेट अगेन एंड जस्ट पिंच एंड रिमूव द लेंस। दैट इज हाउ ईजी इट वॉज टू रिमूव द लेंस गाइज, एंड आई लुक सो डिफरेंट। दोनों लेंसेज, दोनों आँखें कितनी अलग लग रही हैं, दैट इज़ द डिफरेंस लेंसेज, कलर्ड लेंसेज कैन क्रिएट। सो दैट वॉज द ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू वियर लेंसेज। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है लेंसेज पहनते टाइम और लेंसेज को यूज करते टाइम। नंबर वन, आपके हाथ हमेशा साबुन से धुले हुए एकदम 100% जर्म फ्री क्लीन होने चाहिए। नंबर टू, लेंसेज को पहन के कभी भी सोना नहीं है, क्योंकि जब हम लेंसेज पहनते हैं ना, तो हमारी आईज का ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही ब्लॉक हो जाता है, और अगर आप आंखें बंद कर लोगे ना, तो दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर आई हेल्थ। तो लेंसेज पहन के कभी भी नहीं सोना, सोने से पहले हमेशा लेंस को निकाल देना है। और सेकेंडली, लेंसेज को बहुत ज्यादा देर तक नहीं पहनना, अनलेस एंड अंटिल आपकी लेंस बहुत ज्यादा महंगी हाई एंड लेंस है और आप उसे बहुत ज्यादा टाइम तक पहन सकते हो, उसकी वेयरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मेक श्योर आप बस 8-10 घंटे से ज्यादा अपनी लेंस नहीं पहने, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ऑक्सीजन सप्लाई जो हमारी आंखों में होता है ना, वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है लेंसेज लगाने के बाद। और 10-12-13-14 घंटों तक अगर आपकी आंखों में ऑक्सीजन नहीं जाता, तो योर आईज कैन गेट इरिटेटेड, ड्राई, रेड एंड व्हाट नॉट। सो 10 घंटा या 12 घंटा आप लेंसेज पहन के उसे रिमूव कर दीजिए। ऑल्सो लेट्स सी कि लेंसेज को स्टोर कैसे करना है। तो ये जो लेंस केस हमें फ्री में मिलती है, इसमें राइट और लेफ्ट लिखा हुआ रहता है, एज यू कैन सी।
तो जैसे आप अपने लेंसेज निकाल दोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट में रख दोगे, और उसके बाद जो आपको ये लिक्विड मिलता है ना, ये लिक्विड को आपको इसमें भरना है। मतलब आपकी लेंस हमेशा लिक्विड में डूबी हुई रहनी चाहिए, कभी भी आपकी लेंस ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आपकी लेंस हमेशा लिक्विड में डूबी रहे, और इसको अच्छे से आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल डस्ट अंदर नहीं जानी चाहिए। एंड ऑल्सो ये जो इसके अंदर लिक्विड रहता है ना, मेक श्योर यू रिप्लेस इट एवरी सिंगल डे टू मेंटेन हाइजीन और इन्फेक्शन ना हो इसके लिए। अगर आप हर रोज रिप्लेस नहीं कर सकते तो जस्ट मेक श्योर आप हर दूसरे या तीसरे दिन इसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि अंदर जितना भी टाइट बंद कर लो अंदर डस्ट वगैरह तो घुसी जाती है। तो व्हाट आई डू इज आई यूजुअली वियर लेंसेज लाइक ऑन एन एवरीडे बेसिस या ऑल्टरनेट डेज पे। तो व्हेनेवर आई वियर माय लेंसेज मैं फटाफट बस इसको पानी से हल्का सा धो के और इसमें नया लिक्विड डाल देती हूँ, और फिर उसी में उतार के अपनी लेंस डालती हूँ, सो दैट्स टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ माय लेंस। एंड यस, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। लेंसेज पहनने से आपकी आई पावर बढ़ने जाएगी, आपकी आंखें खराब नहीं हो जाएंगी, आप अंधे नहीं हो जाओगे। लेंसेज चेंज्ड माय लाइफ एंड दे कैन चेंज योर लाइफ टू, और अफोर्डेबल है लेंसेज काफी आजकल, तो इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। जस्ट मेक श्योर यू स्टिक टू अ गुड ब्रांड जिसके रिव्यूज अच्छे हो, जो आपकी आंखों के लिए अच्छा हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर लेंसेज आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ टू। सो इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।